सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब 3rd फ्लोर पे बनी हुई थी और वहां पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नीम की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहां पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूं। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन 3rd दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और 3rd दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल्स तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहां फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर जलकर मर गए, मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहां आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। कल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना के लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है, ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है।
मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहां लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहां के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहां डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे छापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच सच बताओ, तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है, अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।